गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज एडवांस साइकोलॉजिकल परसेप्टिव्स ऑफ एजुकेशन विषय में आज हम चर्चा करेंगे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अर्थात मानसिक संघर्ष। तो जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा संघर्ष है ना, हर व्यक्ति संघर्ष करता है अपने जीवन में, संघर्ष करते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, और संघर्ष करते हैं हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अब जो हम यहां बात कर रहे हैं मानसिक संघर्ष की। तो संघर्ष है क्या? अगर हम बात करें कायदे में कि संघर्ष शब्द या मानसिक संघर्ष जो है, जो इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मानसिक और दूसरा है संघर्ष। मानसिक, मानसिक से मतलब क्या है? मानसिक मतलब मन से संबंधित, हमारे मन से संबंधित। मन का संबंध हमारी अनुभूतियों और हमारे चिंतन से होता है कि मन में कहते हैं मन क्या है? हमारी अनुभूतियां हैं, है ना। और इस प्रकार मानसिक मन और उसकी क्रियाओं से संबंधित है। इसके साथ दूसरा हमारा आता है संघर्ष। संघर्ष क्या है? संघर्ष का अर्थ दुखद संवेगात्मक एक दशा है, एक स्थिति जिस जो विरोधी और विपरीत इच्छाओं के विपरीत या विपरीत इच्छाओं के मध्य तनाव का परिणाम होती है। समझ गया सभी ना कि संघर्ष का अर्थ क्या है? संघर्ष का अर्थ दुखद संवेगात्मक दशा या स्थिति है जो विरोधी और इच्छित विपरीत इच्छाओं के मध्य तनाव का परिणाम होती है। मानसिक संघर्ष के बारे में अगर हम परिभाषाओं पर अध्ययन करें तो क्रो एंड क्रो जो है, उन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं कि संघर्ष उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य शक्तियों का सामना होता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विरोध में कार्य करती हैं। अब संघर्ष, अब हम जो हमने ये परिभाषा पढ़ी है इसके आधार पर, इसकी अगर हम विशेषताओं पर अगर ध्यान दें तो परिभाषाओं में ही विशेषताएं निहित हैं। जैसे कि मानसिक संघर्ष परस्पर विरोधी एवं विपरीत इच्छाओं के मध्य कार्य करता है। दूसरा कि मानसिक संघर्ष में बेचैनी, अनिर्णय एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक। तीसरा आवेगों और संवेगों के मध्य विरोध की स्थिति मानसिक संघर्ष है, ठीक है। आवेग और संवेगों के मध्य विरोध की स्थिति संघर्ष है, यह भी ध्यान रखिए। अब मानसिक संघर्ष का अर्थ जान लिया, उनकी विशेषताओं पर भी विषय हम लोगों ने ध्यान दे दिया। अब मानसिक संघर्ष के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते कितने टाइप के? तो पहला है बचाव संघर्ष, दूसरा पहुंच संघर्ष, और तीसरा है पहुंच बचाव संघर्ष, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखना, एग्जाम में बहुत आती है। पहला है बचाव संघर्ष, दूसरा पहुंच संघर्ष, और तीसरा है पहुंच बचाव संघर्ष, ठीक। इंग्लिश में हम बात करें तो अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, फिर सॉरी अवॉइडेंस एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, फिर है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, फिर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
अब बचाओ 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 संघर्ष क्या है? बचाओ भाई, हम लोग बचाओ बचाओ कब करते हैं? जब किसी मुसीबत में फंसे हुए होते हैं, कहते नहीं बचाओ बचाओ, यानी ये निगेटिविटी को शो कर रहा है कि इस प्रकार का संघर्ष तब उत्पन्न होता है कि जब हमारे सामने दो परिस्थितियां हों, ठीक है? तो हमारे सामने दो परिस्थितियां हों और दोनों निषेधात्मक मतलब निगेटिव लक्ष्य हों, जिनमें से वह अमुक व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं करता, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना उसकी बाध्यता है। फिर से समझ लीजिए कि व्यक्ति के समक्ष दो दो लक्ष्य हैं, निगेटिव, और दोनों ही निगेटिव हैं, लेकिन उसके सामने मजबूरी यह है कि उसे उन दोनों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना ही है। तब ऐसे केसेस में जो हमारा मानसिक संघर्ष का प्रकार है वो हमारा क्या होगा? बचाओ बचाओ संघर्ष। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे कोई अमुक व्यक्ति नकल करते हुए पकड़ा गया, ठीक, अब जिसको जिन्होंने पकड़ा है, अब वो जो है उसके उसके लिए वो यह कहें कि भाई आपने नकल करी है, आप लिख कर दीजिए, तो हम आपको क्षमा कर सकते हैं, वरना अभी हम आपको नकलची घोषित कर रहे हैं। अब दोनों ही चीजें निगेटिव हैं, लिख कर देगा तो प्रूफ हो जाएगा, नहीं लिख कर देगा तो नकलची वो ऐसे ही घोषित हो रहा है। अब दोनों में से उसे एक चीज उसे चुनना ही चुनना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि भैया वो लिख के दे देगा, क्या पता दिल पसीज जाए और वो बच जाए। तो ऐसी स्थिति क्या थी हमारी? बचाओ बचाओ संघर्ष। इसके बाद अगला हमारा आया पहुंच पहुंच संघर्ष। पहुंच गए कहते नहीं पहुंच गए हम, तो यानी चीजें पॉजिटिविटी को शो कर रही हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो लक्ष्य हैं और दोनों ही सकारात्मक हैं, लेकिन चुनना हमें किसी एक को ही है। तब ऐसे मन में जो संघर्ष उत्पन्न होगा वो हमारा पहुंच पहुंच संघर्ष के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें कि आपकी ज्वाइनिंग रेलवे डिपार्टमेंट में भी हो गई और आपकी ज्वाइनिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हो गई, ठीक, दोनों ही चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं क्योंकि दोनों ही आपके रोजगार को बढ़ा रही हैं, आपकी इनकम को बढ़ा रही हैं। तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मध्य जो संघर्ष उत्पन्न होगा मानसिक, वह हमारा पहुंच पहुंच संघर्ष होगा। समझ गया ना? अब तीसरे संघर्ष की हम बात करें, पहुंच बचाओ संघर्ष। ऐसी स्थिति क्या है कि पहुंच बचाओ संघर्ष, यानी अब व्यक्ति के समक्ष दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो और उसमें से उसे किसी एक को ही चुनना है, तो ऐसी स्थिति वो हमारी पहुंच बचाओ संघर्ष के अंतर्गत आएगी, ठीक है? उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें यहां पर कि मान लीजिए आपने एक प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन करी है, जो सैलरी तो बहुत अच्छा दे रही है लेकिन उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, जिसमें आप जो है अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, तब आपके सामने दो स्थितियां होंगी, या तो मैं क्विट करूं या मैं जॉब करूं। अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरा टाइम बहुत खर्च हो रहा है, उतने टाइम में मैं अपने घर का काम भी देख सकता हूं, अपने बाहर का काम भी देख सकता हूं, और अगर आप जॉब करते रह रहे हैं तो आपको उतना टाइम वहां पर स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो ये दोनों चीजें हमारी पहुंच बचाओ संघर्ष के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने मानसिक संघर्ष का अर्थ को जाना, उसकी परिभाषाओं को जाना, मानसिक संघर्ष की विशेषताएं जानी, मानसिक संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं ये हमने जाने, कल हम जो है मानसिक संघर्ष के क्या कारण हैं
कल हम उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।